जय श्री श्याम एवरी वन दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम यू टू क्लास ट्वेल्थ ग्रूमिंग एजुकेशन तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात करेंगे डू एंड डाई टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकॉनॉमी 1950 फिफ्टी टू नाइनटीन यानी कि जो सेकेंड चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडियन इकोनमी 1950 फिफ्टी टू नाइनटीन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन द इम्पॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द इंडियन इकोनमी नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन सबसे पहले बेटा आईपीआर 1956 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 काफी डिटेल में करना है आपको इस पे क्वेश्चन सिक्स मार्क्स में आएगा नेक्स्ट है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में करना है ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ठीक है इनको काफी डिटेल में करना है आपको स्पेशली ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से जो इनइालिटीज ऑफ इनकम है वो क्रिएट हुई थी स तो ये चीज बहुत अच्छे से कर लेना बेटा नेक्स्ट ग्रोथ विद इक्विटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है या एक्सप्लेन करने को पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव तो ये बहुत अच्छे से कर लेना नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन अच्छे से करना है आपको जो की गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान में से एक है राइट तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या मॉडर्नाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इकोनमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है नेक्स्ट बेटा क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फाइव ईयर प्लांस जो फाइव ईयर प्लान्स लॉन्च हुए थे इंडिया में तो उनका क्रिटिकल अप्रेजल मतलब क्या एडवांटेज रही उनकी और क्या फेलियर्स रहे उन प्लान्स के तो ये बहुत अच्छे से करना है आपको सिक्स मार्क्स के लिए ठीक है और ग्रोथ विद इक्विटी फॉर फोर मार्क्स एंड मॉडर्नाइजेशन फॉर थ्री और फोर मार्क्स ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन भी सिक्स मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है नेक्स्ट बेटा सेटअप ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन किस ईयर में सेटअप हुआ था तो 1950 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में वन मार्क में पूछा जा सकता है लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुआ था बेटा 1951 में तो इन ईयरस को ध्यान में रखना याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ वी नो दैट को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, right? उसके तीन साल बाद बेटा प्लानिंग सेटअप हुई थी और प्लानिंग कमीशन सेटअप ही क्यों की गई थी फाइव ईयर प्लान बनाने के लिए so, प्लानिंग कमीशन के सेटअप होने के एक साल बाद प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च कर दिया था दैट इज 1951 तो है ना बहुत इजी सी ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा आपको ये ट्रिक इजी लगी या नहीं आपको अब अच्छे से ध्यान में रहेगा ये दोनों ईयर्स या नहीं ठीक है तो यहां पर गाइज मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी आपके लिए इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल साथ ही में अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी तो यहां पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में टिल देन बबाई टेक केयर जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग